अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको पता है कि गोप्रो की रिकॉर्डिंग के लिए, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए एक्सटर्नल माइक लगाना पड़ता है। वैसे उसके अंदर बिल्टन माइक भी होता है, जैसे इसका अपना माइक है, लेकिन अगर आप हेलमेट यूज़ कर रहे हैं बाइक के ऊपर तो इससे अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो उसके लिए आपको इसका चाहिए होता है मल्टीमीडिया मोड, तो इसलिए मैंने ये एक मोड मंगवाया है, मल्टीमीडिया मोड गोप्रो का। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके पैकेट के अंदर क्या मिला है हमें। तो सबसे पहले जो है ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि इस पे लिखा हुआ है कि आपका जो वाटर रेजिस्टेंट है, ये मतलब वाटरप्रूफ नहीं है GoPro, जब आप इसके अंदर लगाएंगे तो, और माइक लगा सकते हैं 3.5 mm माइक पोर्ट और HDMI आउटपुट और USB पोर्ट। तो इसको खोलते हैं। जी ये है, सबसे पहले ये एक हमें माउंट मिला इसके अंदर, और ये स्क्रू है, और ये है ये मल्टीमीडिया मोड, और ये चीज इसका, ये इसका माइक, और ये इसका है शायद कवर। जी इसका कवर। तो इसको देखते हैं कि GoPro पे इसको कैसे लगाना है। तो अपना GoPro निकालते हैं। जी ये जी अपना रहा GoPro। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग आमतौर पर GoPro की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास लगाते हैं। तो आपको ये जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, मेन स्क्रीन पे ग्लास, ये रिमूव करना पड़ेगा, वरना ये इसके अंदर फिट नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये फिट नहीं आता, और फिर मैं आपको रिमूव करके इसको फिट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम GoPro का ये जो बैटरी डोर है या लिड, जो भी आप कहें इसको, ये चीज़ ये आपको रिमूव करना है। तो इसका तरीका ये है कि आप जस्ट इसको यूँ पुल करेंगे, ये बहुत इजी है, ये बस यूँ से आपने पकड़ के इसको पुल करना और बस बाइक को छोड़ देना, ये खुल गया। अब आपने इसको रिमूव करने के लिए यहाँ से ऐसे GoPro को पकड़ना है ऐसे, और यहाँ से दबाना है GoPro को, और इसको यहाँ से ऐसे फिंगर रखें, तो आपने ज़ोर से इसको बाहर की तरफ फोर्स लगानी है। ये देखें, ये थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, लेकिन ये निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको रखते हैं इधर। अब मैं आपको ये फिट करके दिखाता हूँ, ये मोड इसका भी ऐसे ही है, इसको रिमूव कर लेते हैं। जी इसका भी ऐसे कवर खुलेगा, ये यहाँ से वही तरीका जैसे हमने GoPro का उतारा था कवर, ऐसे ही उतरेगा ये भी, ये बाहर हो गया। अब इसके अंदर GoPro लगाते हैं। ये बस आपने क्या करना है, ये देखिए आप इसके अंदर बस यूँ रख के GoPro, और मैं इसको उल्टा लगा रहा हूँ, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे लगेगा, ये आप देखिए, ये हो, ये देखिए, ये आप देखें कि ये अभी ये बंद नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसके साथ बैठ नहीं रहा, क्योंकि ये ग्लास जो हमने लगाया था ये इसको आगे जाने से रोक रहा है। तो हमें ये ग्लास को रिमूव करना पड़ेगा। तो
ये इसकी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी अगर हमने मल्टी मीडिया यूज़ करना है। तो ये इसको रिमूव करते हैं, ये रिमूव हो गया। हम इसको अब लगा के देखते हैं इसको। ये अब देखें कि ये जो इसका ये पोर्ट है, ये वाला, ये इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे लगेगा इसके अंदर। तो आपने बस इसको इसी तरीके से लगाना है ऐसे, और हल्का सा इसको आप पुश करें और उसके बाद ये दैट्स इट। तो ये लग गया। अब इसके लिए आपको एक्सटर्नल माइक चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये माइक मंगवाया है सोनी का। कोई इतना महंगा माइक नहीं, तकरीबन 500 रुपये का मुझे मिल गया। इसके लिए यहाँ पे फ्रंट पे ये बने हुए हैं। सबसे पहले हम देखें, ये आपके पास एक पोर्ट है, शायद ये चार्जिंग पोर्ट है, और ये HDMI पोर्ट है। इससे आप GoPro को अपने कंप्यूटर के साथ या LCD के साथ अटैच कर सकते हैं। और ये इसका माइक, यहाँ इसका माइक लगेगा। तो इसको लगाते हैं यहाँ पे और ये लगे। तो इसको आप फिर अपना जिस तरीके से नॉर्मल आप हेलमेट पे लगाते हैं, ऐसे लगा के इस माइक को आप हेलमेट के अंदर लगाएंगे। ये तार थोड़ी सी बड़ी है, छोटा भी मिल नहीं रहा था मुझे, तो वो ढूंढूंगा इंशाल्लाह। अगर छोटी केबल वाला मिल गया तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन इसको हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मेरे पास हेलमेट नहीं है, हेलमेट मैं अभी टूर पे गया था, तो बाइक मैंने इस्लामाबाद में खड़ी कर दी थी। तो अब इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों में जाऊंगा उसको लेने के लिए, और वहीं इसको टेस्ट करूंगा। तो ये माइक इसका है ऑलरेडी एक्सटर्नल, लेकिन ये माइक अगर आपने हेलमेट के अंदर बात करनी है तो फिर उसके लिए आपको यहाँ से एक एक्स्ट्रा और माइक लगाना पड़ेगा। तो साथ में इसकी अंदर से सेटिंग माइक की आपको करनी पड़ेगी। तो अभी मेरे पास बैटरी मैंने लगाई नहीं, वरना तो मैं आपको लगा के दिखाता। तो बहरहाल ये इजी है, वो बस आप सेटिंग खोलेंगे तो माइक आप कि वहाँ पे आप ऑप्शन आएगी, तो आप उसको ओके कर लें। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। उम्मीद है कि आपको अगर कोई इस तरह खरीदता है तो उसको ये लगाने में आसानी होगी वीडियो से। तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।